पूरी धुंध लगी हुई है, मतलब चारों तरफ एकदम धुंध धुंध क्यों ना हो। अब परसों जो है बर्फबारी हुई थी हमारे यहाँ पे, और आज रामड़ा गांव पे हूँ मैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया कि लालधार से जो देवता है हमारे रामड़ा गांव में आए थे, और इसके बाद का जो पड़ाव है अभी सब लोग सोए हुए थे। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कहाँ जा रहे हैं देवता आज के दिन, और थोड़ा पास के गाँव में है, पर उससे पहले दो यहाँ पे विश्राम वगैरह है, चाय पानी की व्यवस्था है रामड़ा गाँव में ही। तो सारी धुंध लगी हुई है, अगर आप पीछे देख सकते हो तो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी उजाला नहीं है। केवल मैं उठाऊँ इससे पहले चाय वगैरह मिल गई थी मुझे। और हाँ ये बता दूँ, जो हमारी मतलब एक ताई जी हैं जिन पे मतलब भगवती आती है, और उन्होंने हमको जो है ये अंगूठी दी है देवता की। अब जब अंगूठी दी थी तो मैंने कहा था कहीं मुझ पर देवता ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बट ये उनकी मतलब सासू माँ की तरफ से, जो कि हमारी दादी की बहन है, उनकी तरफ से ये अंगूठी है। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये अंगूठी जो है हमें मिली है इस भैरवनाथ यात्रा में, जो कि शुभ है। मतलब अंगूठी यात्रा और देवता जय भैरवनाथ स्वामी। सो इस प्यारे से मौसम के साथ, इस प्यारी सी सुबह के साथ आप सबका एक बार फिर से नई ब्लॉग में, एक फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेश गुड मॉर्निंग तो बनता है अभी से, सो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है सीधे पहाड़ से, सीधे रामड़ा गाँव से, मैं आपका अपना रिंकू पहाड़ी। तो हमारी पुफू जी यहाँ पे बैठी हुई है, जिन्होंने मतलब सुबह सुबह जो है सारे जो यात्रा में आए थे लोगों को चाय वगैरह दी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ जिस भी गांव में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सुबह सुबह कोई ना कोई हर मतलब एक व्यक्ति होता ही है, जो मतलब आपके आपका काम दिया था क्या ऐसा कि सबको सुबह सुबह चाय देनी है? हाँ, सब कुछ दिया। अच्छा अच्छा, तो सुबह की चाय हो गई है, अभी तो लाइन वाइज काफी चाय होगी। तो फिलहाल यहाँ पे सब लोग अभी मतलब उठे हैं, कोई नहा रहा है, कोई सो रहा है, तो हम तो उठ गए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का जो ब्लॉग होता है एकदम फ्रेश मॉर्निंग के साथ अलग ही उसका एक मजा है बॉस। हाँ आज जो अच्छी खासी धूप आ गई है, अभी आपने देखा टाइम लैप्स पे कि कितना अच्छा जो है मौसम हो रहा था सुबह, एकदम कोहरा। मैंने भी बहुत टाइम बाद मतलब जब से यात्रा में आए हैं तो ठंडियों के मौसम में शायद ये कोहरा इतने पास में देखा है। वार्म अप चल रहा है, उसको बोलते हैं वार्म अप। इसके बाद आज मैंने सुना कि ये अपना रामड़ा और जिनगौड़ एक गाँव है, दोनों मिला के तीन चार जगह हम लोग जाएंगे, तीन चार घरों में। उसके बाद जो है आगे लोअरखंड गाँव में जाएंगे, बहुत जगह से आमंत्रित लोग कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। मैंने बोला ना जैसे ही अपने क्षेत्र में आते हैं, मतलब परसों गांव के जो आजू बाजू में हम लोग आते हैं, तो यहां पे जो है लोग ज़्यादा ही आमंत्रित कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी थोड़ा दिन भी कम रह गए हैं। अभी दिन मतलब चार से पाँच दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट भंडारे के लिए, जो मेन सबसे बड़ा विशाल भंडारा होगा, और उसकी उससे पहले लोग अभी जो है आमंत्रित कर रहे हैं। आप भी घर घर घूमिए हमारे साथ, गाँव गाँव घूमिए, और गाँव के नज़ारों का जो है बेहतरीन लुफ्त उठाइए, जैसे अपना प्यारा सा जो है रामड़ा गांव। तो ये हमारे साथ रूम में सोई थी, मतलब दूसरे बेड पे और अभी जो है सब लोग नाश्ता के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मतलब यहाँ रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे भी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो वो भी हमारे रिश्तेदारी हैं, और बुआ दीदी ताई सब है यहाँ पे। तो अभी नाश्ता नाश्ता सुबह से चाय, अब नाश्ता, फिर देवता नाचेंगे यहाँ पे, और शायद मेरे ख्याल से नाश्ते की तैयारियाँ इस साइड पे, यही है ना? हाँ, तो नाश्ते का जो है रामड़ा गांव का आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे कि पता ही आपको। खाने की बात अगर की जाए तो चावल मतलब कहीं कहीं मिल रहे हैं, लेकिन कल रात को यहाँ पे जो है पुलाव था, और शायद सुबह भी होगा पूरी वगैरह जो भी है भंडारे में, ये सब मिल रहे हैं जिस भी मतलब हम गांव में जा रहे हैं। तो चावल को बड़ा मिस कर रहे हैं, क्यों ना? चौंप बड़ी खुद ले रहे हैं नीचे, जो है खाना हो चुका है अभी, और पुलाव मिला था चावल मिले थे, और अभी जो है यहाँ पे बहुवचन वगैरह और जो भी मतलब जूनिया कह सकते हो गाँव वाले सब ले रहे हैं। सुबह का नाश्ता पर चार पूरी, थोड़ा सा पुलाव, छोला, बस यही है। फिर शाम को है और दो तीन जगह व्यवस्था भी विश्राम की, तो हिसाब से एंट्री नहीं हो रही। अरे हो गई एंट्री, कैमरा घुमा दिया एंट्री हो गई, समझ लो।
यहाँ से निकलने के बाद इनके घर से सामने नीचे वाले घर पे जा रहे हैं, जो हमारे पंडित जी है, जो आपने दिखा होगा अक्सर इंटरव्यू देते रहते थे बीच में वीडियो में, तो उनके घर पे अभी देवता वहाँ पे हैं, वहाँ भी चाय पानी की व्यवस्था है। और उसके आगे जो है दूसरे गांव में, दूसरे घर पे जाएंगे, गाँव तो यही है। तो आप कौन हो? कैसे? धर्मान सिंह। जब मैं झोड़ बोलन याद में आऊं, जब मैं झोड़ बोलन झोड़ झोड़न हमारे लिए, तो आप श्री धर्मान सिंह मिस्त्री जी हो, धन्यवाद। जय बोलन नीचे। मेरा नाम धर्मान। तो अभी जो है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पंडित जी के घर पे जो है अभी यहाँ पे थोड़ा सारे देवता लोग विश्राम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग दूसरे घर पे जाएंगे, श्री मेरे ख्याल से गोविंद सिंह जी के घर पे, रामड़ा गांव पे हमें एक काफ़ी मतलब बुजुर्ग आदमी कह सकते हैं वो मिले हैं, जिनका नाम श्री धर्मान सिंह बिष्ट जी हैं। उनसे हम पूछेंगे यहाँ पे जो है रामड़ा के बारे में, थोड़ा सा जो भगवान यहाँ पे आजू बाजू मंदिरों के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस भी गांव में मैं जाऊँ, जैसे आपने कुरानी का देखा था तो वहाँ पे जो भी थे, हमने उनसे पूछा था उनके बारे में, तो काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद आई थी और जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था सोशल मीडिया पर, तो उसके हिसाब से अभी रामड़ा के बारे में हम श्री धर्मान सिंह बिष्ट जी से जानेंगे दो शब्द की। यहाँ पे जय बोल तुम गढ़ हिंदी जय हमारे के ऑडियंस सब पहले जी काल भैरव हमारे। अच्छा, काल भैरव जी हमारे बहुत बढ़िया देवता थे हमारे, इनके पकड़ जी वे दादा कमर और ये तो मुंदर से दे भी दादा कनोरो वे बाद में हमारे और दोनों देवता से ये बोलन सारे मी मरेगा मैं और लड़के मरगा मैं और नहीं तो काल दोनों बोलन था जी ये फार मो धर्म जो अच्छा हमार सबर पसंद है। तो मेरे अपन बचपन में यादगारी में गंगा ताकर ये सिंधे वो खमले वो ढोंग में या कजर या वो धूप बत्ती करने दिए थे, तो आज भी वो दोनों को नहीं बोलो तो जो मैं बता रहा था यहाँ पे जो सारी व्यवस्था वगैरह है, सब लोग अभी फल फ्रूट खा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपके आपके सारे श्रीमान जी। हाँ हाँ बोल। मैं रिंकू पहाड़ी, रिंकू पहाड़ी सिलेंग वे। हम YouTube पे वीडियो बना ना, वीडियो बना रहे हम अपू संस्कृति वीडियो सिलेंग में ये खजराना दोनों किंतु हमारे दिवा वो कमें। अच्छा दिवस मात। हाँ हाँ हाँ। तो मैं विचार थी कि दोनों कुड़ी बढ़ू ना गो। अच्छा और मैं भी बढ़ाया नहीं। अच्छा वो दिवा हमारे बहुत पुरानी वो खमजो धर्म हो माँ धार में उबारो। अच्छा अच्छा दिवा काल भैरव जी हमारे एक गांव में, बाकी हमारे एक यू कोठारा भैरव बाद माँ। अच्छा। हमारे यहाँ कोठारा भैरव नीचे कह गए समझे यू म्यार दीदा डाल ये नाना जी पार लाल हार म्यार दीद हूं जी हम एक परिवार आज ये तो मैं अपनी पुपुतर में ये होने भूली बोलो नीचे ये तो मैं अन्याय थी होने जी ये हमें अन्याय नहीं नान जी से भी खाओ तुम केला भी खाओ अबे खाए खाओ दगड़े दगड़े सोना सोलेल बाबा। हाँ हाँ हाँ।
तो ये रामड़ा मतलब गांव में यो चीज पूछण जी मेल कि रामड़ा गांव मतलब सबसे पहले परिवार कुछ अखु या जो सबसे पहले परिवार में आप अच्छी डर मुस्तकिल अच्छा मतलब कोटवालो में हाँ रामड़ा में कोटवाल सारकोट में सारे हाँ लोबापट्टी में ये डी मुस्तकिल है मुस्तकिल है मैं आज का नहीं बाशिंदा ये जो जितने भी गांव है ये हाँ हाँ ये सब मेरे बाबा के बसाए हुए है अच्छा ओ, सब आजूबाजू में थी मेरे कुड़ियो हाँ 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 ओ, देखो हाँ 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 इसने सारे लालधार रामड़ा के बामनुगान जिनगान सब सब बसाया हुआ वो कुड़ियो ये भी पूरे ही नहीं के परिवार वालों का अच्छा तो पहले पहले आप आगे चाहिए रामड़ा में ना रामड़ा मुस्तकिन भी रहा है अच्छा ओ अभी देखा हमने जो रामड़ा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे हमने उनको मतलब यहाँ पे हमने किसी ने बोला था कि यहाँ पे आप आइए इनसे थोड़ा बात करिए और गांव के बारे में थोड़ा बताएंगे ये तो मतलब देवता के बारे में उतना क्लियर शायद बता नहीं पाए वो और लेकिन गांव के बारे में बताया कि सबसे पहले जो इनकी फैमिली यहाँ पे आई थी और इसके बाद जितने भी आजू बाजू बसे हैं लोग तो सब मतलब इनके बाद से ही हैं और इनकी जो कहानी है ना बहुत ही मतलब एक क्या बताऊँ इनका एक लड़का भी था जिसकी जिसने मतलब ब्लॉक में जो है काफ़ी साल पहले सुसाइड कर लिया था और उसके बाद से थोड़ा इनको धक्का जैसा लग गया था और इनकी भाई 83 साल है लेकिन अभी भी जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो आप यकीन नहीं करेंगे इनकी आंखों में जब वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि आज मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद ये मंदिर में बना देता देणु मंदिर या कुछ जो पूरे सपने नहीं हो पाए थे वो कर लेता लेकिन आंखों में आंसू थे उनके मैं देख रहा था इसलिए मैंने कैमरा डाउन कर दिया और तो तुम आए हैं लेकिन मेरे हाथ से पियो भी चाहिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद कि आप लोग हमारे घर में आपने आमंत्रित किया बिल्कुल यात्रा को बिल्कुल ये वही पड़ी है जो आपने अक्सर वीडियो में देखे होंगे और आज इनके घर आने का हमें अवसर मिला है तो सिलेंगे हम रिंकू पहाड़ी तो पंडित जी के घर से आने के बाद अभी जैसे मैंने बताया कि सेकंड यहाँ पे विजिट जो घर है यहाँ पे वो जिनगौड़ में है और सारे जो है देवता लोग यहाँ पे भी विश्राम कर रहे हैं कुछ देर के लिए चाय पानी वगैरह चल रही है बता दूं ये श्री गोविंद सिंह जी रावत जी का है जो कि हाँ जो हमारे साथ यात्रा में है मतलब चल रहे हैं तो उनका ही घर है तो उन्होंने सारी मतलब यहाँ पे आमंत्रित किया था थोड़ा चाय पानी विश्राम के लिए और इनके बड़े भाई राजेंद्र सिंह रावत जी हैं जो कि बॉम्बे में रहते हैं और हमारी वीडियोस को काफ़ी देखते हैं काफ़ी अच्छा जो है तरीके से यहाँ पे स्वागत हुआ है सारे अभी देवीगण लोग विश्राम कर रहे हैं इसके बाद भी अभी दो घर तीसरा घर और है यहीं पे जिनको रामड़ा में और फिर आगे कहानी में आप बने रहिए दिखाएंगे आपको कि जो यात्रा है वो नए घर हैं नए लोग हैं माहौल किस तरह का है साथ में
अमरनाथ की यात्रा जो है जंगल के रास्ते जा रही है ऊपर अभी। और ये भाई साहब यहाँ जंगल में इतना ठंडा है मौसम, पूछो मत। कि मतलब सुबह तो मैं समझ ही सकता हूँ कि कितना ठंडा होता होगा यहाँ पे। तो अभी सारे जा रहे हैं ऊपर। गरम पेड़ की ठंड पे अच्छा गाँव को अच्छी लोहारखंड लोहारखंड। हम जो है लोहारखंड गांव में पहुंच चुके हैं और यहां पे जो है दो तीन मकान ही हैं, बाकी साइड पूरा जंगल है। और बाकी यहां पे जो है अभी देखा आपने कि देवता लोग नाचे, अभी थोड़ी देर बाद थोड़े विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी होगा शाम को होगा कार्यक्रम वगैरह। हाँ गर्म पानी जरूरी है। हेलो तुम आ रहे डिंकू भैया काफी अच्छी जगह है, सुनसान जगह है और दो तीन घर ही यहाँ पे है फिलहाल। और अगर आप सामने देखो तो पूरा जंगल जंगल सारे जंगल है और एकदम सुनसान शांत इलाका है यहाँ पे। तो अभी सब लोग विश्राम कर रहे हैं, कुछ भोजन की तैयारियां कर रहे हैं। भोजन शाम को होगा जब भोग लगेगा। और हमारे यहाँ पे जो है हमारी चाची भी आई हुई है, क्योंकि ये चाची का घर है, मतलब हमारे परिवार की चाची है। अब आप बोलोगे रिंकू भाई कौन सी चाची, परिवार के गांव की परिवार की चाची। तो उनका यहाँ पे जो है मेथ है, बराबर ना मेथ हो ना, हाँ मेथ है यहाँ पे। तो सूर्यास बोल रहा था पहले मेथ है, बाकी ये उनकी दीदी है यहाँ पे। और हाँ आपको बता दूँ, ये आयोजन किया है यहाँ पे मोहन सिंह रावत, श्री मोहन सिंह रावत जी ने यहाँ आमंत्रित किया था। और सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। कबूज हुई थी महिलाओं लिए या फिर सब? अच्छा अच्छा दो बजे के आसपास जो है यहाँ पे धूप ढल जाती है और सुबह 7 बजे यहाँ पे धूप आ जाती है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे क्या बोलना है, कुछ ही बोलो आप, शुरू हो जाओ। कहाँ से शुरू करें बोले, कैमरा ऑन है, आप शुरू हो जाओ। अच्छा नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह नेगी ग्राम फरसो से, जहाँ से ये यात्रा निकली हुई है। जन्म कहाँ तुम्हें उच्च है नीचे? ये मेरे फूफू का गांव है। अच्छा अच्छा। और यहाँ आज काल भैरव की यात्रा का पड़ाव है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा। एकदम बिल्कुल ठंड है और दिन में जो जिस समय हम आए थे उस समय एकदम गर्म था। तो यहाँ पर आके जो सुकून महसूस हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो रहा है। यानी कि दिल को एकदम जैसे भगवान का जब जहाँ पर वो होता है ना एक आसन होता है, वहाँ पर जो बैठने का जो आसन है ना बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ अभी तक जो अभी हमने सारे जो 10-12 दिन में जो सारे गांव गए हम लोग, तो सबसे ज्यादा ठंडा गांव कौन सा था कह सकते हो, जहाँ तुम्हें ज्यादा ठंड महसूस हुई होगी? ना सबसे ज्यादा ठंडा तो हमारे ये जो एरिया है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा। फरसो गांव से और बिसरा खेत से। फरसो ज्यादा ठंडा है? बहुत ठंडा है। अच्छा बिसरा खेत ज्यादा है? बिसरा खेत जो है वाकई में थोड़ा ठंड ज्यादा थी वहाँ पे, और जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको। तो फिलहाल यहाँ का जो भी है ठंडा गर्म सुबह पता चलेगा, सुबह बताऊंगा क्या है क्या सीन है मौसम विभाग का। तो सब लोग अभी जो है लेटे हुए हैं और यहाँ पे जो है कोई बैठे बैठे सो रहे हैं, लड़के लोग अपने ध्वनि के सामने आग सेक रहे हैं। और बस इस पल का इस माहौल का थोड़ा सा सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वही अपना देवता लोग, फिर भोग लगेगा, फिर खाना खाएंगे, फिर देवता नाचेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ दिखाएंगे आपको।
बाकी सब बढ़िया है। अभी थोड़ा देर में जो है यहाँ पे देवता नाचेंगे, तो आपको जो है इस गांव का जो है देवता दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे मतलब देवता नाचते हैं। वैसे सब जगह तो कॉमन है ही, बट यहाँ के जो देवता हैं वो कितने मतलब नाचते हैं, किस तरीके से उनका उत्साह आप देखेंगे इस वीडियो में। लाइक करें, लाइक नहीं करते हैं कई लोग, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर यहाँ तक देख लिया है तो यार वीडियो आप देख लेते हो, लाइक तो करो एटलीस्ट, प्लीज़ लाइक करो। Thank you.
चला जी भाई खबर बोग जी मोटा मर्दाना बीरो नंगो निर्वाणी बीरो हेलो तपेश्री अंदा मालाटा मा खोटा दिलो मई गो जमाने हलवार पोछाया भगवती का बीरो किधर थोड़ा सा अंधेरे में आई होगी, मतलब डार्क टाइप की आई होगी। जब मैं अभी एडिट कर रहा था तो देखा मैंने कि थोड़ा सा अंधेरा आया है, क्योंकि यार लाइटिंग की उतनी प्रॉपर मतलब यहाँ पे थी नहीं, बाकी तो ठीक था नॉर्मल वगैरह। अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो शायद सिमाड़ गाँव में होगा नेक्स्ट स्टे, और कोयलक से होते हुए हम लोग जाएंगे एखोला कोयलक से गाँव से, और मिलेंगे आपको। फिलहाल लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और बाबा भैरवनाथ की यात्रा को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, शेयर करें, हमें भी अच्छा लगेगा, ताकि लाइक हमको मिल सके। और कमेंट लोग जब मारेंगे कि जय बाबा भैरवनाथ, तो सुकून मिलेगा भाई पढ़ने में। थैंक यू, बाय।